दोस्त, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे आपने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि है जो आप वीडियोस देखते हो वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, तो हर बार बोलता हूँ लाइक कर दिया करो, ताकि ऐसे और भी नए वीडियोस मैं ला सकूं। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ सीएनसी राउटर मशीन के बारे में। जब भी आपके है जो सीएनसी मशीन राउटर के जैसे कि करंट चला जाए, तो आप पहले काम क्या करोगे, पहले आप है जो अपने मेन स्विच है वो बंद कर दो, ताकि क्या होगी कि लाइट आएगी तो मशीन पर लोड नहीं पड़ेगा और आप आराम से है जो मशीन को ख़राब होने से बचा सकते हो। और मशीन जैसे कि अभी बंद हो चुकी है पूरी कम्प्लीटली, और मैंने है जो मशीन के स्विचेस ऑलरेडी मैंने बंद कर लिए है और मेरा काम रुक गया है। तब जैसे ही लाइट आएगी मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप शुरू से मशीन कैसे स्टार्ट करें, तब तक के लिए वेट करते हैं। जैसे कि अभी देख ही लो कि भाई हमारा है जो मशीन पूरा बंद हो गया है और यहाँ पे बीच में आके रुक गया, तो वहीं से हम कैसे मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो मैंने अपने मेन स्विचेस सारे बंद कर लिए, क्योंकि है जो अगर लाइट आ भी जाए तो हमारे मशीन पे लोड नहीं पड़ेगा। और मैंने एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनाई थी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलो, ये वाली डिज़ाइन है हमारे पास, तो मैंने ये बनाई थी। कितने एमएम से बनाया, 6 mm बिट से बनाया। और क्वालिटी देखिए आप, अरे क्वालिटी एक नंबर आती है। मैं जैसे काम बोलता हूँ वैसे काम करते तो क्वालिटी एक नंबर ही आती है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्वालिटी एकदम टकाटक आती है। 6 mm यूज़ करो चाहे 5 mm यूज़ करो, तो 5 mm बिट वाला भी मैं काम दिखाता हूँ आपको। जैसे कि बोल लो 5 mm बिट से काम किया हुआ, तो देख रहे हो बोला एक एक लाइन और एक एक चीज़ दिख रही है आपको, कहाँ पे क्वालिटी ऐसी होती है। मैं बोलता जैसे काम करो क्वालिटी ऐसी निकल के आएगी। और जैसे बोलते हैं कि मशीन सर्विस देते हैं, जैसे मशीन सिखाने वाले आते हैं मशीन लगाते हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता तो जैसा कीजिए, वो तो आपको बेसिक सा बताएंगे। हाँ भाई, उनका भी थोड़ा सा होता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है, कुछ ना कुछ तो उनका भी हाथ होता है, बट उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी थोड़ा बहुत मशीन सिखाते हैं। तो कोई नहीं, लाइट आने दो। लाइट आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि भाई आप मशीन वापस से स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जैसे कि जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से कैसे शुरू करोगे। तो कोई नहीं, लाइट का वेट कर रहे हैं, अभी तक तो कोई लाइट आई नहीं और मौसम हो गया ख़राब, और देख ही सकते हो बारिश का माहौल बनाओ, इसलिए है जो हमारे यहाँ पे करंट गया है। कोई नहीं, आने दो लाइट को और दिखाता हूँ आपको मैं कि भाई आप मशीन को वहाँ से कैसे चालू कर सकते हो जहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा। तो भैया आंधी तूफान तो चल ही रहे, बट मैं है जो लाइट आ चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन आप शुरू से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से भाइयों को मैंने बताया भी है, जैसे कि व्हाट्सअप पर कॉल करते हैं तो पहले करते हैं मशीन को ऑन, तो पहले इसको ऑन कर देते हैं, तो इसको एक 10 सेकेंड तक है जो मिनिमम ऑन होने दे, ताकि इसके अंदर करंट सप्लाई एकदम से बराबर चली जाए। तो कोई नहीं, आपको दिखाना है इसलिए तो मैं 5 सेकंड तक ही रखूँगा। और मशीन हमारी हो रही ऑन, तो देख ही लो, लाइट ना जाए, बस लाइट चली गई तो वापस आए जो वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, यहाँ पे हो गया प्रोग्राम स्टार्ट, ओके करते हैं और हमारी मशीन है जो पहले आएगी होम पे, तो होम पे आने देते हैं। तो भैया आ गई हमारी मशीन है जो होम पे, और फटाफट से है जो इसकी पहले हमें तो स्पीड कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 80% मैंने स्पीड रखी है, तो पहले इसको मैं कम कर लेता हूँ। और ये मैंने स्पीड कम कर ली है, अभी कुछ नहीं करना है आपको, है जैसे जैसे मशीन को रख रहने देना है और पहले आपको क्वालिटी चेक कर लेना है। तो चलो, क्वालिटी का काम हो रहा है एकदम से, और मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल लो 4 mm। तो कोई नहीं, हमें सिंपल सा है जो यहाँ पर शिफ्ट दबाना है और प्ले दबाना है, ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पर, देख ही सकते हो आप, क्योंकि मेरे को दिखना कम हो गया अभी, तो मेरे को दिखते ही कम है। तो कोई नहीं, इसको करते हैं अभी ओके, और मशीन है जो हमारी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे चली जाएगी। तो देखो, ये हमारा राउटर चला, रुका और अपने टारगेट पे आके देख लो। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा भाई, जब मशीन बंद हो जाती है पूरे से तो कैसे रिस्टार्ट करते हैं और कैसे क्या करते हैं। और मैं अभी आपको, जैसे कि अभी मेरा बिट टूटा नहीं है, एग्जाम्पल मानो अगर मेरा बिट टूट जाए तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको जैसे कि लाइन कैसे मिलानी है, लाइन नंबर कैसे सेट करने हैं, वो भी चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कि लाइन नंबर कहाँ पे शो होते हैं, तो वो भी रिमोट के अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मशीन चल रही है और ये रहे हमारे, यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे है जो आपके लाइन नंबर दिखेंगे, तो यही मेन होता है। ये अगर आप याद रखोगे तो आपका जहाँ भी बिट टूटेगा आप वहाँ से मशीन चालू कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मेरे यहाँ पे चल रहा है 51,392,93,94,95,100 तक, जैसे कि काउंटिंग चल रही है सेकंड्स के हिसाब से, तो काउंटिंग मेरे को याद रखनी है। याद नहीं रखोगे तो भी एक अंदाज लगा सकता हूँ कि भाई मशीन हमारा इतने चली है, इतने राउंड हुए, इतना ये हुआ, आप ऐसे याद रख के भी है जो अपना पूरा काम कर सकते हो। तो कोई नहीं, जैसे और नई डिटेल मिलेगी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, जैसे जैसे कमेंट आती है वैसे वैसे मैं डिटेल देता रहता हूँ वीडियो के अंदर। कोई नहीं, मिलते आपको थोड़ी देर बाद, जैसे ही कुछ काम आता है या कुछ भी एक नई चीज़ आती है कि हाँ भाई ये चीज़ भी आपको बतानी चाहिए, सीएनसी राउटर मशीन चलाते हो तो वो भी मैं आपको चीज़ बता दूंगा। तो जिंदगी में कुछ शुभ हो ना हो, बट शुभ की डिज़ाइन मैंने इतनी बना ली है कि पूछो ही मत।
तो चलो कोई ना, आपको दिखा दो मैं डीजल की क्वालिटी कैसी बन के आई है। मैंने यूज किया था 4 mm बोनलेस बिट का, और ये रही हमारी क्वालिटी, और मशीन हो गई है बंद। और देख लो आप ही, आपसे क्या छुपाना, ये वाली क्वालिटी बनकर हमारे पास निकल के आई है। तो इसको टाइम कितना लगा था, इसको टाइम लगा है मिनिमम 30 मिनट्स, मतलब 35 मिनट्स लगे थे। और यहाँ पर टाइम नोट जैसे कि हो गया होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे 13 मिनट हुए हैं, और कुछ रीजन की वजह से लाइट चली गई थी, मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था जैसे कि लाइट चली गई थी। तो कोई नहीं, लाइट आ गई थी, मैंने चालू भी कर लिया, और इसको थोड़ा टाइम लगा था, 35 मिनट्स लगे हैं। 4 mm बोनलेस बिट का यूज़ किया है मैंने, और मटेरियल की साइज भी मैंने दिखा दी थी आपको, और ये रेडी हो गया है। अभी सूप मेरे को 2 बनाने हैं, जिंदगी में सूप कुछ हो नहीं रहा है, बट सूप बना रहे हैं हम, तो कोई नहीं, वो भी हम बना लेते हैं। तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप ऐसे जो मटेरियल्स आते हैं उनको है जो आप कैसे फिटिंग करते हो मशीन के ऊपर। तो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। पहले है जो मैंने इसको टाइट कर लिया, तो वापस से मैं लूज कर लेता हूँ, और इसकी है जो मैं यहाँ पे एक बार बिट की सेटअप बैठा लेता हूँ कि भाई कैसे क्या काम होगा। राइट में लेके जाऊँगा और चेक करूँगा कि भाई यहाँ से है जो हमारा मटेरियल ऐसे कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। पहले इसको है जो मैं सेटअप बैठा लेता हूँ, हो गया हमारा इजी तरीका था, एकदम से इजी तरीका था लाइन मिलाने का। लाइन मैंने मिला ली है, यहाँ से मैंने एकदम से इसको टाइट कर लिया है, और इसको है जो टाइट कर लेते हैं, और इसी को भी टाइट कर लेते हैं। सिंपल सा है, मटेरियल ऐसे फिटिंग होता है, और हमने है जो लाइन मिला लिए, देख सकते हो आप। तो बहुत इजी तरीका है, आप भी कर सकते हो, ऐसे ही काम करो और तरक्की करो, खूब करो, मजे करो, सब कुछ करो, बट काम अच्छे से करो। कोई नहीं, ये था, अभी करते हैं मशीन को चालू और चेक करते हैं भाई हमारी ये डिज़ाइन का सेटअप बराबर है या नहीं है। इस पर भी सूप ही बनाना है, सूप नहीं हो रहा है फिर भी सूप बनाना है। तो दोस्तों क्या काम कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको, कि अभी मैं बना रहा हूँ ये वाली कुछ ऐसे डिज़ाइन जो मैं काम कर रहा था, जैसे मैंने बोला सूप लाभ का काम कर रहा था, तो वो तो काम पटपटवा के नक्की हुआ और कस्टमर लेके भी चला गया, तो दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। और अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई ये वाली जैसे बनाते हैं, मोल्डिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो मैं अपने पीसी पे आपको बता दूंगा, और कैसे है जो आप इसको देखो ना यार।